करैरा जल संसाधन उप संभाग के एसडीओ ने फर्जी एस्टिमेट बनाकर तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जबकि ग्रामीणों के अनुसार इस कार्य की कोई आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ राशि का गबन करने के लिए ये कार्य कराए जा रहे हैं। इसमें आने अधिकारी मिले हुए हैं। मामले को लेकर बुधवार को ग्रामीण शिवपुरी आए और एक ज्ञापन मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग के नाम प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा और काम रुकवाए जाने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से इंदरगढ़ सरपंच सुघर सिंह रावत और जिला पंचायत सदस्य कालू राम कुशवाहा ने बताया कि करैरा जल संसाधन उप संभाग के एसडीओ सोने राम वर्मा के द्वारा 4 करोड़ के फर्जी एस्टिमेट बनाकर वर्क ऑर्डर पर ढिंगवास और सरखड़पुर शेरगढ़ गोपालिया भमपुर छोटे तालाबों पर मिट्टी पक्का कार्य कराया जा रहा है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तालाबों में निर्माण कार्य जब होता है तभी उसकी मोरी का साइज फिक्स हो जाता है और फिर उन्हें तोड़कर दोबारा फर्जी निर्माण कराया जा रहा है। सरपंच और जिला पंचायत के सदस्य आए दिन ग्रामीण ओम प्रकाश गणेश शर्मा गंभीर सिंह रावत रामनाथ ने बताया कि सोने राम वर्मा 7-8 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे, इसलिए वह तालाबों का फर्जी तरीके से जीर्णोद्धार करा रहे हैं और इस कार्य के लिए कार्यपालन यंत्री से उन्होंने साठगांठ कर ली है। यदि ये काम बंद नहीं कराया गया तो ग्रामवासी आंदोलन करेंगे। उसकी पिचिंग डाउन हो रही है, उसके लिए शायद जो सर्फेसिंग की है ऊपर से उसको, और इसकी जो मोरी की बता रहे हैं ना कि मोरी छोटी थी, तो मोरी को बड़ा किया गया है। मोरी छोटी थी, उसमें पानी निकलने में समस्या थी, अब मोरी को बड़ा किया है जिससे पानी पर्याप्त मिलेगा। ये पार कई साल पुरानी है जो कि ठोस थी। अरे अभी पोला कर दिए गए, अभी जो है ना बाढ़ आई है ना, तो सारे छोटे छोटे तालाब है ना, सारे में मेंटेनेंस के काम चल रहे हैं कि आगे कोई घटना ना घट जाए। और जो गेट का जो मामला है जो पहले लगा हुआ था वो छोटा है, वो गेट छोटा है, अब उसमें बड़ा गेट लग रहा है। जो पीछे खेत बने हुए हैं उनका भी जो वहाँ के जो लोग हैं, अब तो आज से थोड़ी है खेत तो कब से है, वो तो आज से थोड़ी है खेत, तो उनका क्या हुआ जी? तो वो तो खेत वाले जाने हैं, वो आगे विभाग में बात करें। यहाँ पर ये तालाब का मामला है। किस तरीके का? अब बहुत प्राचीन तालाब है जी, कई बरसों पुराना, और जाके 2-3 बार तो रिपेयरिंग हो चुकी इसकी। मानव पार की कोई जरूरत नहीं थी, केवल मोरी की जरूरत थी इसकी, मोरी दोबारा बनना थी। तो पानी कहीं से लगता नहीं है, पानी इसकी कोई सिंचाई होती नहीं है। तो मतलब पार का क्या किया है? पार की वो मरम्मत की है, वहीं की माटी खुदे गए वहीं छोड़ दी। क्या समस्या है? ये पार पूरा खुदा पड़ा है, इस पर नया मिट्टी नहीं डाला, पुराना ही पड़ा है, उसी की मरम्मत कर दी है। इसको या तो नया मिट्टी डाल के मरम्मत की जाती तो ठीक रहता, कई जुग्गो साल पुराना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुगर सिंह रावत, मैं ग्राम विकास समिति का सदस्य हूँ। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या ये है कि बहुत प्राचीन ये तालाब है, और इस गांव में मैं हमेशा खेला पड़ा बड़ा हूँ, और इसमें ये हुआ कि इसकी ताल की पार जो है मजबूत थी, लेकिन मजबूत होने के नाते इसको कोई सबजीनियर हैं, ये पक्का बांध जे सी पक्का बांध वाले से भी हमने शिकायत करी, इसकी ANC पक्का बांध भोपाल से भी बात करी, सी और इसमें ई पक्का बांध शिवपुरी से भी बात करी, कलेक्टर महोदय से बात करी कि महोदय इस डैम की पार काट के और इसी के ऊपर ये मिट्टी गिर रही, तो ये मिट्टी का क्या कारण है, और इसमें 1 रुपया का कोई काम नहीं होना था, इसकी पार को भी वही सी चौड़ी कर दी और इसकी मिट्टी जो है वो इधर उधर रखा दी, और इसकी जो मोरी थी और वो मोरी में इनने क्या किया है कि उस मोरी में छोटा सा पाइप और डाल लिया, जिससे जो है जी किसानों की ज़मीन इसका मामजा तो मिला नहीं है भीमपुर गोपलिया वाले किसानों के लिए, और इनने इतना कर दिया कि इसको कम पानी जो निकलेगा, इसका सिंचाई तो होता नहीं है, इसका नदी में पानी जाता है सिंध में, तो कम पानी निकलेगा तो किसान की फसल तो हो ही नहीं पाएगी इसमें। दूसरी बात ये है कि इसका कोई जीर्ण उद्धार होना ही नहीं था, तो ये शासन की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है।